फ्लैट है, ये आपको हॉल मिलने वाला है, इतना जो हॉल का एरिया है। सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लैट की, क्योंकि मेरा जो बहुत सारा वीडियो जो फ्लैट का था ना, वो लोग कमेंट करते थे कि भाई फ्लैट बताओ, कहीं कहीं पे फ्लैट बताओ, बहुत लोगों को जरूरत पड़ता था। तो एक्चुअली में ये जो फ्लैट दिखाने वाले मेरे फ्रेंड का फ्लैट है, वो शेयरिंग में एक रूम देना चाहता है, और एक रूम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और एक रूम जो है ना देना चाहता है। आपको हम दिखाने वाले किस रूम में क्या क्या है, अगर आपको लेना होगा तो सारा चीज लास्ट में बता देंगे। वीडियो को देखिएगा किस लोकेशन पे है, क्या रेंट वगैरह, वो सारा चीज बता देंगे। पहले आपको हम फ्लैट दिखा देते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज बात करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये बाहर से बिल्डिंग है भाई, ये वाला, और यहाँ से जो सीधा जाएंगे तो लिंगमपल्ली मेन रोड है, और इधर से भी जाएंगे तो मेन रोड है। तो ये जो है ना एंट्रेंस है, पार्किंग का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे पार्क वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ से सीधा चलेंगे सेकेंड फ्लोर पे फ्लैट मिल जाएगा, तो आपको दिखाते हैं। तो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी आपको चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, जैसे ही ऊपर चढ़ के जाएंगे तो आपको ऊपर में फ्लैट दिखेगा। ये है फ्लैट का एंट्रेंस, तो अभी मैं यहाँ जाता हूँ। यहाँ पे एक गेट यहाँ पे है और एक गेट अंदर में है, तो यह फर्स्ट गेट है जो कि आपको सिक्योर करता है रहने के लिए, और कुछ भी सामान आप रख सकते हो, और इतना एरिया जो है ना आपको मिल रहा बाहर में रखने के लिए, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मतलब ये आपको एरिया जो ना एक्स्ट्रा आपको मिल रहा समझिए, क्योंकि बाकी लोगों को उधर यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट रूम होने, ये लास्ट वाला फ्लैट होने की वजह से ना ये पूरा एरिया मिल सकता, आप यहाँ पर रख सकते। ये शू रैक के लिए, अपना शूज़ वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। और ये है दूसरा गेट है जो कि यहाँ भी लॉक लगा रहता है, अगर हम इसको लगा दें यहाँ से तो देखिए ऐसे दिखेगा ये। तो ये एक लॉक यहाँ पे हो जाएगा, और एक दूसरा लॉक आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको जैसे ओपन करेंगे और यहाँ से अंदर आएंगे भाई, ये फ्लैट है, ये आपको हॉल मिलने वाला, इतना जो हॉल का एरिया है, और इसमें एक विंडो भी है जो कि आप ओपन करके बाहर से आप नज़ारा देख सकते हैं। ये सेकेंड फ्लोर पे फ्लैट है, तो यहाँ पे देख रहे बाहर का नज़ारा भी मस्त लग रहा है, यहाँ से खिड़की विड़की से हवा मस्त आता है यहाँ पे। ये बैठने के लिए बिन बैग है, और इस एरिया खाली है, चेयर वगैरह यहाँ पे है, यहाँ भी चेयर है। ये फर्निश्ड है, तो यहाँ पे आपको ना टीवी वगैरह भी आपको मिलने वाला, यहाँ पे बूफर सिस्टम भी, म्यूजिक वगैरह सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे। और लाइटिंग वगैरह भी अच्छा है यहाँ पे, जो कि फॉल सीलिंग किया हुआ है यहाँ पे मस्त। तो ये देखिए यहाँ पे बजने वाला रहेगा, अगर आपको ये सब चीज़ अच्छा लगता तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। और इधर हम चलते हैं धीरे धीरे, ये किचन एरिया है, तो भाई ये किचन है, ये छोटा सा पूजा के लिए बना हुआ, आप पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ना कि सब चीज़ रूम के अंदर ही आपको सारा चीज़ मिलना पड़ेगा, आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा बाहर से। ये गैस वगैरह भी है, जो दूसरा पार्टनर है वो ऑलरेडी लेके रखा है, और एक छोटा गैस यहाँ पे है। बाकी ये सब चीज़ है ना, सारा चीज़ यहाँ पे किया हुआ, आपको जो भी जरूरत पड़ेगा यहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ, इसके अंदर सारा चीज़ आपको मिलेगा रखने के लिए भी। तो ये आपको किचन है यहाँ पर, किचन भी अच्छा है, किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, और एक विंडो यहाँ पे भी है, तो आपको यहाँ पर ना गर्मी फील नहीं होगा। और ये जब आते हैं किचन से बाहर, तो ये आप छोटा सा डाइनिंग एरिया आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बैठ के आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पर रखने के लिए सामान यहाँ पे दिया हुआ, रेक बने हैं, और यहाँ पे सुबह सुबह आप ब्रश कर सकते हैं, यहाँ पे एक बेसिन दिया हुआ है। उसके बाद आपको इधर भी कवर्ड मिलता है, तो ये भी कवर्ड में आप यूज़ कर सकते हो कुछ भी चीज़ रखने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इसमें है ना कि फ्रिज भी मिलता है, तो ये फ्रिज है भाई डबल डोर का, सैमसंग का है, तो इसके अंदर भी आप रख सकते हैं कुछ भी चीज़। ये है फ्रीजर है, और ये है तो भाई आपको खाने का भी सामान इसमें मिल जाएगा, ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह इसमें रखा हुआ है, तो अभी हम नहीं पीने वाले हैं कुछ भी। और ये एक दूसरा रूम है जो कि ऑक्यूपाइड है, तो इसको दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये आपको मिलने वाला नहीं, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। जो रूम खाली है वो आपको दिखाते हैं, तो ये वाला रूम जो है ये खाली है, तो इसके अंदर चलिए, ये आपको मिलने वाला जो कि अटैच वॉशरूम के साथ है। और यहाँ पर आपको जो है ना किधर भी पूरा कबर्ड वगैरह मिला हुआ, आप यहाँ पे कपड़े रख सकते हैं यहाँ पे, फिर उसको आप लॉक भी कर सकते हैं, सारा चीज़ है इसके अंदर, तो आप यहाँ से एक बार देख लीजिए। और ये भी एक है यहाँ पे, तो इसमें भी आप कुछ सामान रख सकते हैं, और इसके अंदर भी एक विंडो है, तो विंडो से बाहर का आप मज़ा ले सकते हैं। और ये जो है वॉशरूम एरिया है, तो इधर भी एक छोटा सा बालकनी आपको मिलता है यहाँ पे वॉशरूम में, कपड़े उपड़े सुखाने के लिए यहाँ पे अच्छा एरिया स्पेस है कपड़े डालने के लिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, यहाँ से भी मज़ा ले सकते हैं। और ये जो है वॉशरूम है, तो भाई वॉशरूम जो है ना आपको इंडियन मिलने वाला है, तो आपको पहले ही बता दें, ऐसा नहीं बोलना बाद में है कि आपको इंडियन मिल रहा है यहाँ पे, आपको वो आपको वेस्टर्न चाहिए, आपको क्लियरली दिखा देते हैं यहाँ पे वेस्टर्न नहीं है, ये वाला जो है वो इंडियन है। और एक बार आप यहाँ से देख लीजिए सारा चीज, एक है कि यहाँ वॉशरूम के बाहर में भी आपको यहाँ पे मिल जाता सब सामान वगैरह रखने के लिए, इधर भी लाइटिंग वगैरह लगा हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ तो है भाई कि आपको यहाँ पे लाइट की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि लाइट वगैरह सफिशियंट है। बस रूम को एक बार फिर से दिखा देता आपको कि इसमें रूम में ऐसा है ना कि आप दो लोग इसमें रह सकते हैं, और इसमें क्या ना पंखा वगैरह भी लगा हुआ, लाइट वगैरह इसमें भी मस्त लगा ऊपर का, जब देख सकते हैं ना कि अच्छा बनाया हुआ आपको, मतलब कि आराम मिलेगा। वहाँ पे भी एक है
कबर्ड वगैरह पता नहीं उसको नहीं दिखा सकते, बहुत ऊंचा है। बाकी आप रूम देख लीजिए यहाँ से। तो ये रूम जो है जिसको देना चाहते हैं वो डिटेल वगैरह सारा चीज़ आपको हम बता देंगे, कितना में देना चाहते हैं मेरा फ्रेंड, तो वो सब चीज़ इसमें हम दिखा देंगे। बाकी ये सब सारा चीज़ें आप एक बार फिर से देख लीजिए। और उसके बाद बाहर का जो एरिया है आपको ये ओपन एरिया मिलता है, यहाँ से भी देख लीजिए, और एक बार इधर से भी आप देख लीजिए, इधर से भी इस तरह से आपको मिलने वाला ओपन एरिया। और बाकी जो नीचे में है ना आपको पार्किंग वगैरह सारा चीज़ मिल जाएगा नीचे में। और ये सेकेंड फ्लोर पे है, लिफ्ट नहीं है, क्लियरली बता देते हैं, ऐसा बात है पूछिएगा नहीं कि लिफ्ट है कि नहीं। कि जो फ्लैट है ना मेरे को तो पर्सनली भाई बहुत अच्छा लगा, मेरे पास ऑलरेडी अगर रूम नहीं रहता ना तो मैं इसमें शिफ्ट हो जाता हूँ। और ये मेरे दोस्त का भी तो अच्छा है, बाकी भाई मेरे को ना ये एरिया बहुत सही लगा यहाँ पे, ये जो एरिया है ना बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे वीकेंड के दिन बैठ के यहाँ पे चिल कर सकते हैं। और बाकी जो भी क्वेरीज वगैरह होगा ना मैं रूम आप देख लीजिए एक बार, रूम का चाबी मेरे पास ही रहता है, अगर आपको रूम देखना होगा तो रूम मैं दिखा दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में नंबर या हम इंस्टा आईडी मेंशन कर देंगे, तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी रूम देखना हो तो रूम हम दिखा देंगे एक बार फिर से भी आपको दिखा देंगे, कुछ भी होगा आपको वीडियो को बार बार देख लीजिएगा कि रूम किस तरह क्या है, बाहर का एंट्रेंस क्या है। लेकिन ये है कि आपको स्पेस काफी मिलने वाला, और एक बार इस रूम में आएंगे ना तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी जब आया था ना फर्स्ट टाइम तो मेरे को भी यहाँ पर अच्छा लगा। फिर बारिश वारिश के टाइम पे ना आपको इधर सच में बहुत मजा आने वाला है, जब बारिश होता तो यहाँ से ना बारिश का मजा ले सकते हैं यहाँ पे। और मेरे को तो ये काफी अच्छा लग रहा है, मतलब इधर साइड का जो है ना बाकी सब अच्छा है, और यहाँ जो सीधा भाई गैलरी है वहाँ पे, तो अभी आपको नीचे जाकर भी दिखाते हैं और बाहर से भी आपको बिल्डिंग दिखाते हैं कि बाहर से कैसा है। बाकी ये सब सारा चीज़ था जो कि अंदर से था। आई होप सो कि आपको ये फ्लैट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी होगा तो आप मेरे को भी पिंग कर सकते हैं, बाकी जो ऑनर है ऑनर का भी नंबर हम शेयर कर देंगे या आईडी शेयर कर देंगे, आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कुछ भी बात करना होगा तो। क्योंकि भाई मैं बस दिखा दिया रूम का कैसा क्या है, बाकी आप जो भी पूछना होगा आप ऑनर से पूछ सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन वगैरह क्या क्या है, बाकी क्या क्या मिल रहा है आपको वो भी हम स्क्रीन पर दिखा देंगे, सारा चीज़ दिख जाएगा। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।